आई डोंट थिंक के मेरे ज़माने के जो लोग थे हमारे अंदर एक फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं आप हम आपके कैमराज को एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने देते. जितना भी हम दिखाते हैं बाहर, जितना भी हम शेयर करते हैं, अभी आपको पता ही है कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ और कभी मैंने ज़िंदगी में नो कमेंट्स कहा नहीं है, मगर फिर भी एक 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 हमारा एक लाइफ होता है जो हम नहीं लाते हैं सामने. तो आई थिंक बिग बॉस में जाके मेरा अगर एक लास्ट फिल्टर बचा था वो अब उड़ चुका है. अभी तो मैं और भी फियरलेस हूँ, और भी शेमलेस हूँ, और भी बेबाक बातें करूँगी, और भी खुलकर ज़िंदगी जीऊँगी. Thank you. So what was the intention behind it, the Big Boss? The intention was to test my limits. The intention was to see कि क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. क्योंकि जब ये ऑफ़र मेरे पास आई थी, मेरे बहुत करीब के लोगों ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते, ये आपके लिए नहीं है. आप फिल्म में काम करते हैं, आप OTT शोज कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो एक मार्क बनाना चाहते हैं. शो में जाओगी लोग खामोखाम जलील करेंगे, फॉर्मेट है शो का कि आपको जलील होके ही आना है. मैं नहीं मानती हूँ कि ये फॉर्मेट है शो का. शो आपको जलील नहीं करता है, शो आपके सामने हमेशा एक अपॉर्चुनिटी और एक चॉइस देता है. हम अगर गिरते हैं, हम खुद गिरते हैं. हम अगर जलील होते हैं, हम खुद वो चॉइस बनाते हैं. और अगर हमारी उड़ान होती है, वो शो का फॉर्मेट वो है. तो आई थिंक मुझे, मैं गई अंदर एक ओपन माइंड के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ, और मेरी रीड इंटैक्ट ऐसे गई. मैं बाहर आई हूँ विथ माई हेड हेल्ड हाई, विथ माई हार्ट ओवरफ्लोइंग, क्योंकि मैंने बहुत करीब के रिश्ते बनाए अंदर. एंड आई थिंक बेबी का जो है वो तो मेरी, आई थिंक पुनर्जन्म की पता नहीं क्या है मेरी लाइफ में, बट आई थिंक दैट शी इज़ द सिस्टर और डॉटर आई नेवर हैड. शी इज़ माई फ्रेंड जैड, अविनाश, एल्विश के साथ भी मेरा बहुत ही स्पेशल कनेक्शन रहा है फ्रॉम डे वन. तो आई थिंक ये 51 की उम्र में आई केप्ट द फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस. सो आई थिंक दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर. आई थिंक मेरी एनर्जी लेवल जो थी मेरे कंटेम्प्रेरी से बहुत ही ज़्यादा थी, वो जो मैंने दिखा दिया. और सफाई के मामले में मेंटल एंड फिजिकल आई थिंक मैंने काफ़ी मैनेज किया. आई थिंक मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अभिषेक ने दिया था एक्चुअली 3 या 4 दिन पहले, जब इसने कहा कि अगर आप नहीं होते तो शायद लोग और गिरते. मेरे लिए I'm thrilled, क्योंकि ये प्रूव करता है कि ये गेम जो है बहुत ही फेयर गेम है. एंड ये जो मिथ्स होते हैं ना कि अगर आप वाइल्ड कार्ड बन के आए हैं तो फिर आपका जर्नी जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है या इतना भारी नहीं है जैसे किसी ने आप 8 हफ्ते गुजारे हैं, तो ये सारे मिथ्स हैं. आई थिंक इट्स नॉट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, इट्स हाउ यू लिव योर लाइफ. जैसे रिश्ता जो होता है क्योंकि 10 साल का है, उसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक साल के रिश्ते से. तो आई थिंक एल्विश ने ये प्रूव कर दिया है. एंड आई थिंक कि वो घर में एक नई एनर्जी की ज़रूरत थी जब वो आए थे. एंड आई थिंक इट्स क्रिएटेड हिस्ट्री कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हैज़ वन द शो. सो आई थिंक दैट मच टू बी प्राउड ऑफ. मगर वो घर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया. कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट जर्नी इज़ अ जर्नी यू टेक इन टू योर ओन हार्ट. एंड आई थिंक मैं अपने खुद के दिल में गई. मैंने खुद के वीकनेसेस, खुद के स्ट्रेंथ्स को यहाँ से देखी. 8 हफ्ते का सफ़र उसमें आसान है नहीं, इट्स नॉट ईजी. फिज़िकली बहुत ही मुश्किल गेम है. हमारे लग्जरीज होते हैं, लोग होते हैं हमें हेल्प करने के लिए, कम्फर्ट जोन आपको भूलना पड़ता है. मगर उस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया. और आज जब भी मुझे वो अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिली, जब भी मेरे पिताजी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट डिड नॉट मीन मच. मगर जब भी बिग बॉस ने कहा कि हम भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, फॉर मी इट वॉज अ विन. So, अभी पसीना आ रहा है मुझे, पहुँचने दो. हाँ.